पिन निकालने से ग्रेनेड नहीं फटता, लेकिन हैंडल उतारने से 5 सेकंड्स में फट जाता है। अब देखते हैं ग्रेनेड के अंदर क्या होता है। जैसे ही हैंडल अलग-अलग होता है, एक स्ट्राइकर स्प्रिंग की फोर्स से रिलीज होता है और परकशन कैप के ऊपर ज़ोर से गिरता है। इसके इम्पैक्ट से चिंगारी निकलती है, जिससे फ्यूज़ को आग लगती है और फ्यूज़ स्लोली जलना शुरू होता है। इस फ्यूज़ के आहिस्ता जलने से ग्रेनेड को 5 सेकंड्स मिलते हैं। फ्यूज़ के एंड पर एक छोटा डेटोनेटर फटता है। इस डेटोनेटर से सारे पाउडर को आग लगती है और धमाका होता है। धमाके से लोहे का शेल फटता है और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हवा में गोली की स्पीड से शूट करते हैं। ये टुकड़े 5 मीटर के दायरे में बहुत डेडली हैं और 15 मीटर के दायरे तक ज़ख्मी करते हैं।